आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक स्मॉल वाल है वो एक इनएक्सटेंसिबल थ्रेड्स के एंड पे बांधा गया है और ये बाल एक वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और ये कहा गया है कि मैक्सिमम टू मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो है 2:1। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब बॉल की वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी उस वक्त बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा और उस वक्त थ्रेड में टेंशन कितनी होगी। तो यहाँ सपोज करते हैं इस अपर पोजीशन पे हाईएस्ट पोजीशन पे उस बॉल की वेलोसिटी वी नॉट होगी, तो यहाँ पे रेशियो 2:1 दिया गया है मैक्सिमम टू मिनिमम, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2V0। तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट सी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा वैल्यू पुट करने पर हो जाएगा हाफ एम इंटू 2V0 स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए हो जाएगा हाफ एम V0 स्क्वायर प्लस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगा एम जी इंटू 2R, ये लेंथ 2R हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आ जाएगा V0 स्क्वायर इक्वल टू 4RG डिवाइडेड बाई 3 ये V0 स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इसी तरह हम पॉइंट B पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं B पे इसकी वेलोसिटी V है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट B, इसको लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी एट B इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे हाफ एम V0 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम V0 स्क्वायर प्लस एम जी आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे V0 का वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा हाफ एम V0 स्क्वायर हो जाएगा 4RG डिवाइडेड बाई 3 प्लस एम जी आर। कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 4/3RG प्लस 2RG जो हो जाएगा 10RG डिवाइडेड बाई 3। अब हम इस जो पार्टिकल यहाँ पे है बॉल, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बॉल बी पोजीशन पे है तो इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन और एम जी इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस बॉल पे केवल यही दो फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा ए टी और रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा ए आर। तो पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा एम जी,
एटी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू जी। तो इस पोजीशन पे केवल एम जी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा जी। और रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो वही फोर्स ये टेंशन फोर्स वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो बैलेंस करने पे आ जाएगा टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। हम वी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, तो ये हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई आर इंटू 10 RG डिवाइडेड बाई 3। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 mg बाई 3 इक्वल टू 10 mg डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया स्प्रिंग में टेंशन एट द पोजिशन बी। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट एक्सेलरेशन। चूंकि एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है और रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेट हो जाएगा रूट ऑफ 80² प्लस AR². तो वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा हमें रूट ऑफ 80 क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं हम जी, तो G² प्लस रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 G/3, 10 G/3। ये हो जाएगा इस तरह। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा, कैलकुलेट करने पे आ जाएगा G/3 इंटू रूट 109। ये हो गया हमारा नेट एक्सेलरेशन। और हम ये रेडियल एक्सेलरेशन, चूंकि ये टेंशन और रेडियल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो टेंशन डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। तो जो आ जाएगा 10 G/3। इस तरह हम ए नेट यानी नेट एक्सेलरेशन एट द पोजिशन बी हो जाएगा G/3 इंटू रूट 109।